पाकिस्तान में आतंकवादियों को लेकर एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। लश्कर ए तैयबा के जिस आतंकी अनाद हंजला की कराची में हत्या हुई, गोली मारकर जिस तरह उसे आईएसआई के एक सेफ हाउस में मार दिया गया, इससे पाकिस्तान में हड़कंप, क्योंकि इस लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को आईएसआई ही नहीं पाकिस्तान की सेना ने भी सुरक्षा दी हुई थी और साथ ही साथ लश्कर ए तैयबा के भी हथियारबंद लड़ाके इसकी सुरक्षा में तैनात थे उस सेफ हाउस में। उसके बावजूद अज्ञात हमलावरों ने 4 गोलियां मारकर हंजला को मौत के घाट उतार दिया। इतनी सुरक्षा के बावजूद हत्या हो गई और इस वजह से पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकी इस समय डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब उन्हें अपने आकाओं तक पर भरोसा नहीं है कि कहीं पाकिस्तान की आईएसआई ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा ना पहुंच जाए। इसके लिए तो इन आतंकवादियों को मरवा नहीं रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस लश्कर ए तैयबा के आतंकी हंजला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उसी कराची के आईएसआई सेफ हाउस के सामने। ये तस्वीर में गौर से देखिए, आगे हंजला चल रहा है, पीछे पीछे 2 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी उसके साथ चल रहे हैं और मेरे सहयोगी अरविंद ओझा ज्यादा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, रावलपिंडी से कराची शिफ्ट किया गया, सेफ हाउस में रखा गया, फिर भी सुरक्षित नहीं रहा लश्कर का यह आतंकवादी, क्या जानकारी निकल कर आ रही है इस समय? नहीं देखिए, सबसे पहले गौरव देखिए कितना दिलचस्प है, चूंकि आप भी कई सालों से टेररिज्म और खासतौर से पाकिस्तान को देख रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये अदनान हंजला अदनान अहमद लश्कर का टॉप आतंकवादी हाफिज सईद का बेहद करीबी, 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात इसे कराची में इसके सेफ हाउस में गोली मारी गई, 4 गोली, इसकी मौत हो गई। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए जो आज तक के पास एक्सक्लूसिव है, ये कराची के उसी सेफ हाउस के बाहर की है। अदनान दिखाई दे रहा है, आसपास सुरक्षा गार्ड दिखाई दे रहे हैं, आईएसआई के सेफ गार्ड में रह रहा था। तो ये अमूमन ऐसी तस्वीरें कम आती हैं जहां अदनान खड़ा है, सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, और ये बताती है कि जिस तरह से बीते दिनों पाकिस्तान में हालात बने हैं, अज्ञात हमलावर वो एक के बाद एक इंडिया के मोस्ट वांट आतंकियों को ठिकाने लगा रहा है। उसके बाद सब आतंकियों को न सिर्फ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आर्मी, बल्कि लश्कर के जो लोग हैं वो भी सुरक्षा दे रहे हैं। इतनी भारी सुरक्षा के बीच भी अज्ञात हमलावर आता है और दनादन 4 गोली मारकर मौके से फरार हो जाता है, जिसके बाद से ही तो हड़कंप मच गया है। जितने भी आतंकी हैं या भारत से फरार होकर पाकिस्तान में पनाह लिए मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन है, उनकी हालत इस वक्त खराब हो चुकी है। और जिसकी जिसका एविडेंस हम ये दिखा रहे हैं तस्वीर जो अदनान कराची में मौजूद है। और आपको ये भी बात बता दूं कि पहले ये रावलपिंडी में था लश्कर के कैंप में, लेकिन जब ये जिस तरह से हालात बदले पाकिस्तान में, जिस तरह से पाकिस्तान में हालात बदले, उसके बाद से ही सुरक्षा मुहैया कराई जाने लगी और भारी सुरक्षा के बीच आतंकी को मार गिराया गया। तो ऐसे में पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, हर आतंकवादी अपनी अपनी सुरक्षा ले रहा है, अपने आकाओं पर तक उनको भरोसा नहीं है। अब गौरव, आईएसआई पर अब भरोसा नहीं रहा इन आतंकवादियों को।